अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 5। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशन एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सके। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चन को, सजेशन को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 को। मैं इसको स्टार्ट करने से पहले आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी बुक से इसी एक्सरसाइज का ये सेम क्वेश्चन अपने सामने जरूर ओपन करके रख लीजिएगा ताकि ग्राफ से जब मैं कुछ चीजें समझा रहा हूं तो आपको और बेहतर तरीके से समझ आ सके और आप यहां से ग्राफ से चीजें समझकर अपने ग्राफ पर उसको बेहतर तरीके से टैली कर पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, पहले इसके स्टेटमेंट को रीड करते हैं जो सबसे ऊपर लिखी हुई है। तो यहां पर मेंशन है टू मोबाइल फोन कंपनीज ए एंड बी ऑफर प्लान्स विद अ टॉक टाइम रेट एज शोन इन दी ग्राफ। तो आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पे टू मोबाइल फोन कंपनीज हैं, एक कंपनी का नाम ए है और एक कंपनी का नाम बी है और ये दोनों कंपनीज जो है ना ऑफर क्या करती हैं, ये उन प्लान्स को ऑफर करती हैं जो कि टॉक टाइम रेट से रिलेटेड हैं। टॉक टाइम को आप इस तरह समझ लें आसानी के लिए कि अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक फोन कंपनी का वाला फोन है या आप कह लें कोई भी एक फोन कंपनी को आप यूज कर रहे हैं तो उस फोन कंपनी को यूज करते हुए आप अपने मोबाइल फोन से जितना टाइम बात करेंगे और जितने टाइम के लिहाज से आपको रेट चार्ज किया जाएगा उसके मुतालिक ये दोनों कंपनीज जो है ना आपको प्लान ऑफर कर रही है। ठीक है, तो आगे उन्होंने ये भी कह दिया है एज शोन इन द ग्राफ और वो कहने कि जो टॉक टाइम रेट है यानी जितने मिनट्स आप बात करेंगे और उसके लिहाज से आपको जितने पैसे देने पड़ेंगे, जितना आपको चार्ज किया जाएगा, उसको नीचे दिए गए ग्राफ में रिप्रेजेंट भी कर दिया गया है। उस सारी इंफॉर्मेशन को नीचे दिए गए ग्राफ में बता भी दिया गया है। अब आप देखिए नीचे ग्राफ बना हुआ है और ग्राफ में दो एक्सिस होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल जिसको एक्स एक्सिस और एक वर्टिकल जिसको वाई एक्सिस बोलते हैं। तो आप देखें हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम मेंशन किया गया और मिनट्स के अंदर आप देखें यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, 10 मिनट्स इसका मुराद है, इधर 20 है, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 40, 50 और 60 मिनट्स। और अगर आप वर्टिकल एक्सिस जिसको वाई एक्सिस भी बोलेंगे उस पर देखें तो उसमें चार्जेस मेंशन किए गए हैं कि आप कितने मिनट्स बात करेंगे तो उसके लिहाज से आपको क्या चार्ज किया जाएगा। तो चार्जेस डॉलर्स में है क्योंकि यहाँ पे डॉलर का सिंबल है, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ वन तो इसका मतलब है $1, आगे लिखा हुआ है टू इसका मतलब है $2, फिर $3, फिर $4 और फिर $5। तो और जो दोनों कंपनीज हैं, कंपनी ए और कंपनी बी, उनका जो ग्राफ है वो यहाँ पर इसको आप कह लें स्काई ब्लू कलर के साथ यहाँ पर आपको दिखाया गया है। जैसे आप देखें ये आपके पास ए कंपनी का ग्राफ है और दूसरा जो है ये बी कंपनी का ग्राफ है जो इसी ए कंपनी वाले ग्राफ में से पास होकर इस तरीके से जा रहा है। तो आपने जब इनका रिलेशनशिप बिल्ड करना है कि कितने टाइम के लिहाज से कितनी आपको चार्ज किया जा रहा है तो फिर आप उसको इन्हीं लाइंस की मदद से बिल्डअप करेंगे कि ए कंपनी जो है वो कितना चार्ज कर रही है कुछ मिनट्स का या बी कंपनी जो है वो कितना चार्ज कर रही है कुछ मिनट्स का। ठीक है, ये अभी हम समझने वाले हैं। अब देखिए सबसे पहले ग्राफ को रीड करने से पहले आप ये जरूर देख लीजिएगा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर स्केल क्या सेट है यानी कितने गैप के बाद इन जो है मार्किंग्स को यहां पर मार्क किया गया है। जैसे अगर आप एक्स एक्सिस के ऊपर बात करें तो आप देखें एक बिग बॉक्स यहां पर छोड़ा गया है और 10 यूनिट्स काउंट किए गए हैं। फिर आप देखें अगला बिग बॉक्स छोड़ा तो 10+10 कितने होते हैं 20 यूनिट्स, अगेन 10 यूनिट्स। फिर अगला बिग बॉक्स छोड़ा गया तो अगेन 10 यूनिट्स, 20+10 कितने होते हैं 30 यूनिट्स। तो इस तरह 10-10 यूनिट्स के गैप के बाद आप कह लें ये सारी मार्किंग्स हुई हुई हैं। अभी जो एक बिग बॉक्स है ये आप अपनी बुक से और भी बेहतर देख सकते हैं, तो इस बिग बॉक्स में कुछ स्मॉल बॉक्सेस भी हैं। जैसे अगर मैं बिल्कुल निचली वाली रो बनाना शुरू करूं तो इस तरह के स्मॉल बॉक्सेस आपको बने हुए नजर आ रहे होंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, अपनी बुक से भी देख लीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका मतलब दो तरीकों से आप यहां पर जो है ना स्केल को लिख सकते हैं कि आप या तो ये कह सकते हैं कि एक बिग बॉक्स छोड़कर 10 यूनिट्स काउंट किए गए हैं या आप यूं कह सकते हैं कि 5 स्मॉल बॉक्स छोड़कर 10 यूनिट्स काउंट किए गए हैं। तो आप दोनों तरीकों से इसको मेंशन कर सकते हैं। अभी आसानी के लिए मैं यहां पर ये चीज मेंशन कर रहा हूं क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी कि एक्स एक्सिस के ऊपर क्या चीज, क्या स्केल यूज किया गया है कि जो 5 स्मॉल बॉक्स हैं, जो छोटे 5 डब्बे हैं, 5 स्मॉल बॉक्सेस, वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, वो आप कह लें यहाँ पे लिखा हुआ है वो रिप्रेजेंट करेंगे, 10 यूनिट्स को, क्योंकि 5 स्मॉल बॉक्स के बाद 10 यूनिट्स काउंट किए गए ना। देखें 5 स्मॉल बॉक्स छोड़े फिर 10, फिर अगले 5 स्मॉल बॉक्स छोड़े फिर अगले 10+10, 20, अगेन 10 यूनिट्स, इस तरह कर करके यहाँ पे 10 यूनिट्स है। और आप यूं भी कह सकते थे कि 1 बिग बॉक्स ये रिप्रेजेंट्स 10 यूनिट। अब अगर 5 स्मॉल बॉक्स 10 यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि एक स्मॉल बॉक्स कितने यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जाहिर बात है एक स्मॉल बॉक्स 2 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तभी तो 5 मिलकर 10 यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। देखिए आप 0 के बाद इस पहले वाले स्मॉल बॉक्स को पढ़ेंगे 2, अगले वाले को पढ़ेंगे 2+2, 4, उससे अगले वाले को पढ़ेंगे 4+2, 6, 6 के अगले वाले को आप पढ़ेंगे 6+2, 8, और 8 के अगले वाले 2 को, अगले स्मॉल बॉक्स को अगेन 2 यूनिट पढ़ेंगे तो 8+2, 10, तो देखें पूरे 10 बन जाते हैं। यानी एक स्मॉल बॉक्स को आपने
में जब काउंट करना है तो एज अ टू यूनिट काउंट करना है, एक स्मॉल बॉक्स टू यूनिट्स के तौर पे काउंट होगा, तभी आपके पास फाइव स्मॉल बॉक्स जो है वो टेन यूनिट्स के इक्वल आएंगे। तो आप यहाँ पे ये भी लिख दें ताकि आपको याद रहे कि एक्स एक्सिस के ऊपर एक स्मॉल बॉक्स पर किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो एक्स एक्सिस के ऊपर एक स्मॉल बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा होगा, रिप्रेजेंट टू यूनिट्स, दो यूनिट्स को। ठीक है, जब हम एक बॉक्स को यहां पर रीड करेंगे तो उसका मतलब हम टू काउंट करेंगे, अगले को फिर दोबारा टू, इस तरह हम करेंगे। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट समझा रहा हूं ताकि जब हम ग्राफ को रीड कर रहे हो आपको याद रहे कि एक्स एक्सिस के ऊपर हमने किस तरीके से चीजें सीखी हुई हैं। अब हम बात कर लेते हैं वाई एक्सिस के ऊपर कि भाई वाई एक्सिस के ऊपर किस तरीके से यहां पर हमारे पास स्केल सेट है। तो देखिये वाई एक्सिस के ऊपर भी कुछ इसी तरीके से हो रहा है कि एक बिग बॉक्स छोड़कर यहां पर वन लिखा गया। आप देखें ये एक बिग बॉक्स छोड़ा है तो वन लिखा गया, फिर एक बिग बॉक्स छोड़ा है तो अगला वन यानी वन प्लस वन टू लिखा गया, अगेन एक यूनिट का गैप है, तो यहां पर सब एक एक यूनिट का गैप है। अगर आप देखें टू में और थ्री में ये एक बिग बॉक्स छोड़ें तो एक यूनिट का गैप है, तो यहां पर ये एक स्मॉल बॉक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो जाहिर बात है कि अगर आप एक स्मॉल बॉक्स को 0.20 काउंट करेंगे तो तभी पांच स्मॉल बॉक्स पूरा वन बना देंगे। कैसे, अगर आप देखें मैं इस पहले स्मॉल बॉक्स को यहां पर देखता हूं, ये 0.20, अगला अगेन 0.20 प्लस 0.20 यानी 0.40, अब आपको समझ आ गया होगा अगला 0.60, उससे अगला 0.80 और यहां पर जहां पे 1 आ गया 0.80 प्लस 0.20 करेंगे तो पूरा 1 बन जाएगा। आप यहां पे करके देख लें 0.80 में अगेन 0.20 ऐड करें तो 0, 8 प्लस 2 10, यहां पे 1 आ जाएगा डेसिमल यहीं पर और 1 प्लस 0 1 ही होते हैं तो ये आ गया 1.0, तो देखें यहां पे 1 लिख दिया गया। इसका मतलब वाई एक्सिस के ऊपर जो है एक स्मॉल बॉक्स को जब आप काउंट करेंगे तो उसका मतलब आप 0.20 काउंट करेंगे तभी पांच स्मॉल बॉक्स मिलके पूरे 1 यूनिट बनाएंगे, जिस तरह मैंने आपको यहां पर समझाया। तो आप यहां पे ये चीज भी लिख देंगे कि y एक्सिस के ऊपर जो है वो क्या है, यहां पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं कि एक स्मॉल बॉक्स अगर आप काउंट करते हैं, वन स्मॉल बॉक्स, तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वन स्मॉल बॉक्स रिप्रेजेंट वो करता है 0.20 यूनिट्स को। तो ये भी अब आपको समझ आ गया। तो अब आप जब इस ग्राफ को रीड करेंगे तो आपको याद रहेगा कि एक्स एक्सिस के ऊपर हमने अगर एक स्मॉल बॉक्स काउंट किया तो उससे कितने यूनिट्स मुराद हैं, वाई एक्सिस के ऊपर अगर हमने एक स्मॉल बॉक्स काउंट किया है तो उससे कितने यूनिट्स मुराद हैं। तो यहां तक तो ये आपको ग्राफ समझ आ गया होगा। अब है इसको रीड करना कि हम इसको रीड किस तरह कर सकते हैं। तो जाहिर बात है ये जो ग्राफ है कंपनी ए का वो ए वाला यहां पर लिखा हुआ है, ए उसके ऊपर मैंशन है, और जो कंपनी बी का ग्राफ है वो यहां पर मैंशन है। ठीक है, अब हमने नीचे पार्ट्स को पढ़ना है और उसी से हम इसको रीड करना भी सीख जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर वन से। तो पार्ट नंबर वन में लिखा हुआ है हाउ मच डज कंपनी ए चार्ज फॉर 20 मिनट्स ऑफ टॉक टाइम। वो कह रहे हैं आप ये बताएं कि जो कंपनी ए है जिसका ग्राफ आपको यहां पर बना हुआ नजर आ रहा है, ये कंपनी ए का ग्राफ है, तो जो कंपनी ए है वो कितना चार्ज कर रही है अगर आप 20 मिनट्स जो है बात करते हैं, यानी 20 मिनट्स का आपका टॉक टाइम होता है, आपने 20 मिनट बात की है और आपके पास कंपनी ए वाला फोन जो है आप यूज कर रहे हैं या कंपनी ए को आप यूज कर रहे हैं, तो 20 मिनट बात करने पर 20 मिनट के टॉक टाइम पर आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो आप सबसे पहले देखें आपको 20 मिनट्स बताए गए हैं। ठीक है, तो आप देखिए 20 मिनट्स लिखे कहां पर हुए हैं, आपको मैं बता चुका हूं टाइम मेंशन है एक्स एक्सिस के ऊपर, तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है आपके पास 20, यहां पर 20 आपने ढूंढ लिया। ओके, अब आप क्या करेंगे, आप 20 मिनट से एक जो है डॉटेड लाइन बनाएंगे और उसको तब तक एक्सटेंड करते जाएंगे, तब तक बनाते जाएंगे जब तक के वो कंपनी ए के ग्राफ से टच ना कर जाए। अब कंपनी ए का ग्राफ ये है, ये आप देखें ये जो लाइन इस तरीके से यहां पर आ रही है और 10 पे आके खत्म हो रही है, ये कंपनी ए का ग्राफ है। तो अगर आप इस 20 से एक डॉटेड लाइन इस तरह बनाना शुरू करें, बनाते जाएं तो देखें आपने यहां पर जाकर एग्जैक्टली टच किया, या आप जो है ना लेड पेंसिल से अपने बुक पर भी चेक कर सकते हैं। तो आप यहां पर डॉट लाइन ऊपर की तरफ बनाएंगे तो ग्राफ ए वाला जो है आपके पास एक कंपनी का जो ग्राफ है उस पे आप यहां पे जाकर टच करेंगे। अब आपने देखने चार्जेस कितने लगेंगे, तो चार्जेस तो मेंशन है इधर वर्टिकल एक्सिस के ऊपर जो कि लेफ्ट साइड पर है, तो जहां पर आपने क्रॉस लगाया होगा इसी से डॉट लाइन बनाना शुरू करेंगे और बनाते जाएंगे जब तक कि आप वाई एक्सिस पर कहीं ना कहीं टच कर जाएं। तो आप देखें आपने बिल्कुल वन से आप कह लें तकरीबन जहां पर ये आखिरी बॉक्स है इसके ऊपर आपने यहां पर टच किया, तो यहां पर आपने टच किया। अब आप इस वैल्यू को देखेंगे ये क्या है, अब देखिए ये y एक्सिस के ऊपर वैल्यू है ना, तो मैंने आपको समझाया हुआ है कि y एक्सिस के ऊपर एक बॉक्स को आप 0.20 के तौर पे काउंट करेंगे। तो अगर आप नीचे से स्टार्ट करें यहां पर 0 है तो ये पहला स्मॉल बॉक्स 0.20, अगला अगेन 0.20 प्लस 0.20 यानी 0.40, अब अगला आपको समझ आ गया होगा ये 0.60, ये 0.80, तो जहां पे ये फोर्थ स्मॉल बॉक्स खत्म होता है तो यहां पर 0.80 बनता है।
तो इसका मतलब जो कंपनी ए है वो कितना चार्ज कर रही है, वो 0.80 डॉलर्स चार्ज कर रही है, क्योंकि ये जो वैल्यू जहां पे आपने टच किया है, यहाँ पे फोर्थ जो है आपके पास स्मॉल बॉक्स खत्म होता है, और फोर्थ स्मॉल बॉक्स जहां पे खड़ा होगा वहां पे वैल्यू खत्म होगा, वहां पे वैल्यू जो है 0.80 डॉलर बनती है। तो इसका मतलब आपने फर्स्ट पार्ट का आंसर निकाल लिया, वो कितना आ गया 0.80 डॉलर। अब मैं इसका यहां पे डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, आप इसको इस तरह लिखेंगे कि कंपनी ए चार्ज फॉर 20 मिनट्स आगे इक्वल टू 0.80 डॉलर। तो आप डिस्क्रिप्शन खुद से बना लीजिएगा, मैं यहां पर टाइम को सेव करने के लिए डिस्क्रिप्शन बार बार नहीं लिख रहा, अदरवाइज आप खुद से लिख सकते हैं कि कंपनी ए चार्ज फॉर 20 मिनट्स आगे इक्वल टू 0.80 डॉलर। जितनी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे उतनी अच्छी बात है। तो ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट को। तो देखिए सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है हाउ मच डज कंपनी बी चार्ज फॉर 50 मिनट्स ऑफ टॉक टाइम। अब यही सेम सवाल है लेकिन कंपनी बी के मुतालिक पूछा जा रहा है कि जो कंपनी बी है वो कितना चार्ज करेगी अगर 50 मिनट्स का टॉक टाइम हो, यानी अगर 50 मिनट 50 मिनट्स बात की गई हो तो इस और आपके पास कंपनी बी को आप यूज कर रहे हैं तो ये आपको कितना चार्ज करेगी, आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो आप देखिए 50 मिनट्स मेंशन कहां पर है, तो देखिए यहां पर 50 मिनट्स मेंशन है, यहां पर 50 मिनट्स मेंशन है। तो अब आपने यहां से एक ऐसी डॉटेड लाइन बनाना शुरू करनी है जो कि कंपनी बी के ग्राफ को कहीं ना कहीं टच करे। तो जाहिर बात है कंपनी बी का ग्राफ ये ऊपर जो स्काई ब्लू कलर लाइन से बना हुआ है जो यहां पे 20 पर आके खत्म हो रही है लाइन, तो आपने 50 से एक डॉटेड लाइन बनाना शुरू करनी है ऊपर की तरफ जब तक के आप कंपनी बी वाले ग्राफ को कहीं ना कहीं पे टच ना कर जाएं। तो देखिए आपने तकरीबन उसको यहां पर आके टच किया, ये मैंने यहां पर क्रॉस लगा दिया। अब आपने क्योंकि चार्जेस देखने हैं, चार्जेस लेफ्ट साइड पे वर्टिकल एक्सिस पे हैं, तो यहां से आप लेफ्ट साइड पे मूव करना शुरू करें। तो देखिए मैं लेफ्ट साइड पे यहीं से मूव करना शुरू हो रहा हूं, ये देखें, और आपने रूलर की मदद लेनी है इन डॉट लाइंस को बनाने के लिए। तो आप इस तरह करते जाएं करते जाएं करते जाएं, तो देखें आप यहां पर जाके टच कर रहे हैं, तो ये अगेन 3 और 4 के दरमियान 5 स्मॉल बॉक्सेस का गैप था, तो जहां पे 4th स्मॉल बॉक्स खत्म हो रहा है ये वहां पर जाके आपने टच किया। जिस तरह यहां पर आपके पास 4th स्मॉल बॉक्स पर खत्म हुआ था तो 0.80 था, तो ये 3 के आगे है तो ये 3.80 हो जाएगा। आप यूं भी पढ़ सकते हैं जिस तरह आपको समझाया हुआ, 1 स्मॉल बॉक्स 0.20 को करता है रिप्रेजेंट, तो 3 के बाद पहला वाला स्मॉल बॉक्स 3.20, उससे अगला 3.40, फिर 3.60 और फिर ये वाला जिस पे हम पहुंचे हुए 3.80। और ये सारी वैल्यूज डॉलर्स में है, तो इसका मतलब आप कहेंगे कि कंपनी बी चार्ज फॉर 50 मिनट्स दैट इज इक्वल टू 3.80 डॉलर। तो अगेन मैं डिस्क्रिप्शन नहीं लिख रहा, आपने डिस्क्रिप्शन खुद से लिख लेनी है, आपने इसको पहले इस पार्ट के नीचे लिखना है कि जी कंपनी ए चार्ज फॉर 20 मिनट्स आगे इक्वल टू डाल के ये लिख देना ताकि एक प्रॉपर और भी अच्छा लगे, यू भी सही है लेकिन टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन को मैंशन नहीं कर रहा। तो यहां पर हो गया आपका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। तो उम्मीद आपको सारी चीज समझ आ गई होंगी। अब ये ग्राफ के ऊपर से मैं वर्किंग हटा देता हूं, अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3 को। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर 3 को। तो पार्ट नंबर 3 में लिखा हुआ है इफ राजू यूजेस लेस देन 30 मिनट्स ऑफ टॉक टाइम पर मंथ। तो हमें यहां पर कहा जा रहा है कि एक पर्सन है जिनका नाम राजू है और वो 30 मिनट से भी कम टॉक टाइम जो है यूज कर पाते हैं पर मंथ एक महीने में। तो आगे मेंशन है विच कंपनी ऑफर्स हिम अ बेटर प्राइस, तो बताएं कौन सी कंपनी राजू को बेटर प्राइस प्रोवाइड करेगी, यानी कंपनी ए बेटर प्राइस प्रोवाइड करेगी राजू को या कंपनी बी बेटर प्राइस प्रोवाइड कर सकती है राजू को अगर राजू जो है 30 मिनट से भी कम का टॉक टाइम यूज करते हैं पर मंथ एक महीने में। आगे लिखा हुआ एक्सप्लेन योर आंसर, आपने अपने आंसर को जस्ट एक्सप्लेन करना है। तो हमें यहां पे कोई वैल्यूज एग्जैक्टली नहीं चाहिए, हम जस्ट ग्राफ को रीड करेंगे और ग्राफ की मदद से एक्सप्लेन कर देंगे कि भाई राजू को कौन सी कंपनी सूट करेगी, कंपनी ए या कंपनी बी। और जाहिर बात है राजू को वही कंपनी सूट करेगी जो राजू को 30 मिनट से कम टाइम यूज करने पर कम से कम चार्ज कर रही हो। तो आइए ग्राफ को देखते हैं। तो देखिए ग्राफ में टाइम लिखा हुआ एक्स एक्सिस के ऊपर और यहां पर 30 मिनट मेंशन है, तो हमें तो 30 मिनट से कम की वैल्यूज चाहिए ना, क्योंकि राजू 30 मिनट से कम यूज कर रहा है। तो आप यहां पर कोई भी एक वैल्यू खुद से चूज कर लें जो कि 30 मिनट से कम हो। 30 मिनट से पहले जितने भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी 30 मिनट से कम है, तो जस्ट मैं आपको समझाने के लिए यहां पर एक वैल्यू जो है यूज कर लेता हूं जहां पे मैंने ये मार्क लगा दिया रेड कलर का। अब ये वैल्यू एग्जैक्टली क्या बनती है ये आप रीड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको समझाया हुआ है कि एक्स एक्सिस के ऊपर एक स्मॉल बॉक्स को आपने 2 काउंट करना है, 2 यूनिट्स के तौर पर काउंट करना है। तो 20 के बाद अगर आप पहला स्मॉल बॉक्स काउंट करें तो यह होगा 22, अगला काउंट करें तो यह हो जाएगा 24, उससे अगला काउंट करें तो ये हो जाएगा 26 और उससे अगला काउंट करें तो ये हो जाएगा 28। यहीं पर मैंने ये मार्क लगाया हुआ, तो बेसिकली मैं जिस वैल्यू की बात कर रहा हूं वो है 28। तो हम देखते हैं ये 28 वैल्यू जो है 30 मिनट से कम भी है, यानी हमारे स्टेटमेंट के मुताबिक भी है। तो मैं देखूंगा कि इतने मिनट्स पर कंपनी ए कितना चार्ज करती है और कंपनी बी कितना चार्ज करती है। जो कम चार्ज करेगी वही राजू के लिए बेटर होगी। अब इस वैल्यू पे मैंने चार्ज निकालना है कि कितने चार्जेस लगेंगे, तो उसके लिए आपको डॉट लाइन बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप देखें ये ऊपर से नीचे बी वाली कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, बी कंपनी की जो लाइन है इसका जो ग्राफ है
वो इस तरह ऊपर से लेके नीचे आ रहा है और 20 पे आके टच कर रहा है। तो मैं पहले एक डॉट लाइन बनाता हूँ और देखता हूँ कि कंपनी बी वाली का जो ग्राफ है इस पे डॉट लाइन कहाँ पे टच करती है। तो देखिए जहां पर मैंने 28 मार्क किया हुआ है इससे एक्जैक्टली मैं ऊपर इस तरह जाता जाऊंगा तो मैं देखता हूँ कि मैं यहाँ पर आके टच करता हूँ कंपनी बी वाले ग्राफ को। अब मुझे चार्जेस चाहिए तो आपको पता है चार्जेस वाई एक्सिस पे लिखे हुए लेफ्ट साइड पर, तो यहाँ से मैं एक डॉट लाइन बनाऊंगा तो मैं देखता हूँ कि हम यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 पे आके टच कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि कंपनी जो है ना बी वो 28 मिनट्स का जो कि 30 मिनट से कम है $1 चार्ज करती है। ओके अब मैंने इसी वैल्यू पे ये देखना है कंपनी ए कितना चार्ज करती है। तो देखिए मैंने डॉट लाइन तो बनाई हुई है, अब कंपनी ए का जो ग्राफ है वो इस लाइन से शो हो रहा है जो कि यहां पर से आगे 10 तक आ रही है। अब मैंने इसी डॉट लाइन को आगे एक्सटेंड कर लेना है कि मैं कंपनी ए के ग्राफ को कहीं ना कहीं टच करूं। तो यहां तक तो पहले ही आ चुका हूं, अगर मैं इस तरह बनाता जाऊं तो यहां पर आगे ऑलमोस्ट मैं कंपनी ए के ग्राफ को टच करता हूं। अब मुझे क्योंकि चार्जेस चाहिए तो मैं यहां से एक स्ट्रेट डॉट लाइन बनाऊंगा वर्टिकल एक्सिस की तरफ के, देखूंगा वर्टिकल एक्सिस पे मैं कहां पर जाके टच करता हूं। तो आप देखें तकरीबन यहां पर ये फेयर गैस के लिहाज से मैं आपको बता रहा हूं यहां पे आके टच करता हूं। तो यहीं से क्लियर हो जाती है कि ये वैल्यू जहां पे मैंने अब आके टच किया है कंपनी ए के ग्राफ के तौर पे वो $1 से ज्यादा है। तो इससे ये पता चल गया कि कंपनी जो आपके पास बी है वो तो 28 मिनट्स के ऑलमोस्ट $1 चार्ज कर रही है, लेकिन जो कंपनी ए है वो तो $1 से भी ज्यादा चार्ज कर रही है क्योंकि उसकी वैल्यू जहां पे आके टच कर रही है वाई एक्सिस के ऊपर वो $1 से ज्यादा ही बनेगी ना, ये 1 के आगे है। तो एग्जैक्टली आप तो मैं यहां पर नहीं बताना चाह रहा क्योंकि फेयर गैस से बता रहा हूं, ये बस क्लियर है कि $1 से तो ज्यादा ही होगी। तो इसका मतलब कंपनी बी कम चार्ज कर रही है 28 मिनट्स का और कंपनी ए ज्यादा चार्ज कर रही है। तो राजू के लिए कौन सी कंपनी बेस्ट रहेगी? जाहिर बात है राजू लिए कंपनी नंबर बी बेस्ट रहेगी। तो आप इसको एक्सप्लेन इस तरह कर देंगे कि फॉर लेस देन 30 मिनट्स ऑफ टॉक टाइम, कि अगर राजू 30 मिनट से कम का टॉक टाइम यूज करता है तो कंपनी बी चार्जेस आर लोअर प्राइस देन कंपनी ए। तो कंपनी जो बी है वो कम चार्ज करती है राजू को, उसकी प्राइस कम चार्ज करती है एज कंपेयर टू कंपनी ए। तो इसलिए कौन सी कंपनी बेहतर रहेगी राजू के लिए? ऑब्वियसली कंपनी बी बेहतर रहेगी। तो आगे ये मेंशनड है थस कंपनी बी वुड बी एबल टू ऑफर राजू अ बेटर प्राइस। तो आपने इस चीज को ऐसे ही कोट कर देना है। बाकी आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ये नहीं कि जो मैंने वैल्यू ली आप यहां पर चेक कर लें, आप कोई भी वैल्यू 30 मिनट से लेस की उठा लें और चेक करें कि आपकी ग्राफ पर क्या वैल्यूज आती हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग चार्जेस क्या बनते हैं। जो कम चार्ज प्रोवाइड कर रही होगी, कम चार्जेस दे रही होगी आपके पास मिनट्स के लिहाज से, वही कंपनी बेस्ट होगी। तो मैंने आपको यहां पे चीज समझा दी। तो यहां पे थर्ड पार्ट फिनिश हुआ, इसका आंसर ये आ गया, आपने ये लिख देना है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके पार्ट नंबर 4 को। हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर 4 को। तो पार्ट नंबर 4 में मेंशन है व्हिच कंपनी हैज अ ग्रेटर रेट ऑफ इंक्रीज इन चार्जेस, एक्सप्लेन योर आंसर। तो आपसे कहा जा रहा है कि कंपनी ए और कंपनी बी में से कौन सी कंपनी ऐसी है जिसके चार्जेस बड़ी तेजी से इंक्रीज हुए हैं। जाहिर बात है जितना ज्यादा टाइम मिनट्स में होगा, जितना ज्यादा टॉक टाइम होगा, उसी के लिहाज से चार्जेस थे। तो आपसे अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि आप कंपैरिजन करके बताएं कि ए और बी कंपनी में से कौन सी ऐसी कंपनी है जिसके जो रेट है, जो उसके चार्जेस हैं, वो बड़ी तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं। अब यहां पर आपने इस वर्ड इंक्रीज पे फोकस करना है और इस रेट पर फोकस करना है। तो ये एक तरह का इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, इसको हम चेंज बोलते हैं, किसी चीज में चेंज आना, चाहे वो इंक्रीज की सूरत में आया है या डिक्रीज होने की सूरत में आया है। और जब भी आप किसी भी इंक्रीज और डिक्रीज की बात कर रहे होते हैं और इस तरह आपके पास लाइन ग्राफ्स अवेलेबल होते हैं, जिस तरह यहाँ पे लाइंस बनी हुई हैं, कंपनी ए का भी जो ग्राफ है वो भी लाइन की फॉर्म में है, कंपनी बी का जो ग्राफ है वो भी लाइन का फॉर्म है, तो इससे मुराद यहाँ पर ग्रेडियंट ली जाती है। तो ग्रेडियंट भी आपको एक तरह का चेंज ही बता रहा होता है और आप ग्रेडियंट के फॉर्मूले से भी वाकिफ है। मैं आपको समझा चुका हूं कि ग्रेडियंट को एम से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ऊपर आता है वर्टिकल चेंज और इस वर्टिकल चेंज को हमेशा डिवाइड किया जाता है किस पर, हॉरिजॉन्टल चेंज पर। यानी वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज करें तो आपको ग्रेडियंट पता चल रहा होता है। तो ग्रेडियंट भी आप एक तरह का देख लें, दो चीजों के चेंज का रेशियो होता है। अब अगर किसी लाइन का ग्रेडियंट ज्यादा है तो इसका मतलब आप यूं समझ लें उसमें चेंज भी ज्यादा आ रहा है, और अगर किसी लाइन का ग्रेडियंट कम है तो इस क्वेश्चन के मुताबिक मैं आपको समझा रहा हूं कि आप समझ लें उस लाइन का फिर एक तरह का चेंज भी कम आ रहा है। तो अगर कंपनी ए का ग्रेडियंट ज्यादा आया तो इसके चार्जेस ज्यादा तेजी से बढ़े होंगे, और अगर कंपनी बी का ग्रेडियंट ज्यादा आया तो इसके चार्जेस ज्यादा तेजी से बढ़े होंगे, क्योंकि ये जो दोनों लाइंस हैं ये रिलेट कर रही हैं टाइम को भी और चार्जेस को भी। तो जिसकी ग्रेडियंट बढ़ेगी उसका मतलब है उसमें चेंज ज्यादा आया होगा, और जिसकी ग्रेडियंट कम होगी उसका आप कह लें चेंज कम आया होगा। तो हम यहां पर ये चीज पता लगाएंगे ग्रेडियंट को फाइंड आउट करके। तो पहले हम क्या करेंगे, हम कंपनी ए की ग्रेडियंट निकालेंगे और फिर हम कंपनी बी की ग्रेडियंट निकालेंगे। कंपनी ए की ग्रेडियंट निकालने से मतलब है कंपनी ए का जो ग्राफ दिया हुआ है लाइन की फॉर्म में, इस लाइन की ग्रेडियंट निकालेंगे। तो मैं यहां पर ये करता हूं, तो हमारे पास ये है पार्ट नंबर 4,
तो यहाँ पे हम पार्ट नंबर फोर लिख लें, और कंपनी ए की जो ग्रेडियंट है इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एम, और इधर सब्सक्रिप्ट में ए, आप कुछ भी इसको यूज कर सकते हैं, मैं एम ए कर रहा हूँ। ग्रेडियंट का फॉर्मूला आपको पता ही है, वो सेम ही है, वो है वर्टिकल चेंज, वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज, डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज, ठीक है। अब आप ये कैसे निकालते हैं ये भी मैं आपको समझा चुका हूं। अगर आपने किसी भी लाइन की ग्रेडियंट निकालनी हो, आप पहले उसके ऊपर दो पॉइंट्स लेते हैं, और ऐसे पॉइंट्स लेते हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स आपको आसानी से मालूम हो सके। अभी हम ए वाली लाइन की बात कर रहे हैं, ए कंपनी की बात कर रहे हैं, तो दो पॉइंट्स हमने चूज करने हैं इस ए वाली लाइन के ऊपर। तो एक पॉइंट तो बड़ा आसान है, मैं यहां पर चूज कर लेता हूं। आप देखें ये ए वाली लाइन ने यहां पर आकर 10 को टच किया, और इस पॉइंट का मैं जो कोऑर्डिनेट्स हैं बड़े आसान है, मैं इसको ए पॉइंट से लेबल कर रहा हूं। और क्योंकि यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट तो 10 ही है, क्योंकि इस लाइन ने एक्स एक्सिस पे 10 पे आके टच किया है, और y कोऑर्डिनेट आपको पता ही है वो पॉइंट जो x एक्सिस के ऊपर होते हैं उनके y कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, तो y कोऑर्डिनेट कितना होगा 0। यहां तक तो हो गया। अब दूसरा पॉइंट मैं इसी a लाइन के ऊपर यहां पे ले लेता हूं, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स में बड़ी आसानी से बता सकता हूं। अगर मैं इस पॉइंट से बिल्कुल नीचे डॉट लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करूं, तो आप देखिए मैं कहां पे आके टच करूंगा 60 पर, तो इस पॉइंट का नाम मैं रख देता हूं b, तो इसका x कोऑर्डिनेट तो x एक्सिस के मुताबिक पता चल गया 60। और y कोऑर्डिनेट कितना है वो अभी आपको निकालना आता है। अब इस क्रॉस से जो पॉइंट मैंने मार्क किया है, एक स्ट्रेट डॉट लाइन बनाएं और देखें वो y एक्सिस को कहां पे टच करती है, तो y एक्सिस को टच करेगी इधर 4 पर, तो आपका y कोऑर्डिनेट कितना आ गया 4, ये आपको पता है। अब हम ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, हमें वर्टिकल चेंज और हॉरिजॉन्टल चेंज चाहिए होता है। हम एक पॉइंट से स्टार्ट होंगे और देखेंगे कि एक पॉइंट से कितना वर्टिकली आपको अपवर्ड या डाउनवर्ड जाना पड़ता है दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए। अगर मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना चाहता हूं, क्योंकि ए पॉइंट नीचे है बी पॉइंट ऊपर है, तो मुझे पहले ए पॉइंट से कुछ यूनिट्स ऊपर जाना पड़ेगा। तो मैं ए से यहां पर एक डॉट लाइन बनाना शुरू करूंगा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, और बनाता जाऊंगा और यहां पर आके बिल्कुल 4 के सामने आके स्टॉप होऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं देख रहा हूं अब यहां पर आके रुकूंगा तो मैं इस बी पॉइंट तक पहुंच पाऊंगा ना, क्योंकि इस पॉइंट के बिल्कुल राइट साइड पर मेरे पास जो है बी पॉइंट है। अब ये जो आपके पास पॉइंट होगा ना, जहां पर आके रुकेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, क्योंकि इस नीचे से लेकर ऊपर तक जो आपके पास आपने कवर किया है, इस पॉइंट तक कवर किया है, वही डिसाइड कर रहा होगा आपके वर्टिकल चेंज को। तो ये जो पॉइंट है, आप देखें कि यहां तक आने पर आपने कितने यूनिट्स ऊपर मूव किए। तो आप स्टार्ट कहां से हुए थे? आप स्टार्ट हुए थे 10 से, जो आपके एक्स कोऑर्डिनेट आपके पास जो है ना, वो यहां पे 10 बता रहा है कि यहां पर आप 10 से स्टार्ट हुए थे। अब वर्टिकल चेंज को देखने के लिए हमेशा याद रखिएगा वाई एक्सिस के ऊपर आपने नजर रखनी है। वाई एक्सिस पे जो चेंज आ रहा होगा वो ही आपका वर्टिकल चेंज होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 10 है, क्योंकि मैंने यहां पे इसलिए 10 का, क्योंकि आप यहां पर 10 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो वर्टिकल चेंज क्या आपका? वर्टिकल चेंज आपका पता चलता है जहां से आपने स्टार्ट किया, जिस पॉइंट से, उसके वाई कोऑर्डिनेट में क्या लिखा हुआ है। उसके वाई कोऑर्डिनेट में लिखा हुआ 0, तो बेसिकली आपने इस 0 से स्टार्ट लिया। ओके, कहां तक गए आप? ऊपर इधर 4 के सामने तक गए। तो आप देखें 0 से 4 तक कितने यूनिट्स बनते हैं? ऑब्वियस बात है 4 यूनिट्स बनते हैं, यानी आपने 4 यूनिट्स अपवर्ड मूव किया। तो याद रखिएगा वर्टिकल चेंज हमेशा वाई एक्सिस के ऊपर पता चलता है। तो आपने यहां पर, जहां पे मैंने 10 मार्क किया हुआ था, इस वाले पॉइंट पे जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 10 और वाई कोऑर्डिनेट 0 है, यहां से स्टार्ट लिया, तो आपने वाई कोऑर्डिनेट को देखना है। वाई कोऑर्डिनेट क्या था? 0। तो 0 से आप कहां तक गए? इस पॉइंट तक गए, और इस पॉइंट पे आप देखें वाई की वैल्यू क्या है, बिल्कुल पैरेलल आपको लिखी हुई नजर आ रही है 4। तो बेसिकली 0 से 4 कितने बने? 4 यूनिट्स आपने कवर किए। तो ये आपका हो गया वर्टिकल चेंज। अब हम देखें, हमने बी पॉइंट तक पहुंचना है तो हमें कुछ यूनिट्स राइट की तरफ जाना पड़ेगा। तो यहां से लेके यहां तक आप जाएंगे, तब जाकर आप बी पे पहुंचेंगे। तो ये कितने यूनिट्स आपको कवर करने पड़ेंगे? तो इस पॉइंट से आपने स्टार्ट लिया ना, जो नीचे है, तो इस पॉइंट पे आप देखें इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है। तो आप इसके बिल्कुल नीचे डॉट लाइन को देख सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट कितना था? 10। यानी आपने 10 से स्टार्ट लिया। ओके, किस पॉइंट तक गए? बी पॉइंट तक गए। बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 60। यहां पे भी नजर आ रहा है, आप डॉट लाइन को नीचे देख सकते हैं 60। इसका मतलब आपने 10 से लेकर 60 यूनिट्स कवर किए। तो जो हॉरिजॉन्टल चेंज होता है हमेशा वो एक्स एक्सिस के ऊपर मेजर होता है। तो 10 से लेकर 60 तक कितने चेंज बनता है? तो आप इस तरह भी निकाल सकते हैं कि आप 60 में से 10 माइनस कर दें, फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने 50 यूनिट्स कवर किए। और ऐसे भी पता लगा सकते हैं कि 10 और 20 में 10 का गैप है, हम सब में 10-10 का गैप है। तो 10, 20, 30, 40 और 50, तो देखें यहां पर भी 50 यूनिट्स बन रहे हैं। तो इसका मतलब 50 यूनिट्स आपने हॉरिजॉन्टली मूव किए राइट की तरफ, तब जाकर आप इस बी पॉइंट तक पहुंचे। और यहाँ पर जो ट्राइंगल बना वो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, ये आप देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये पूरा का पूरा आप कह लें एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अब आपको वर्टिकल चेंज भी पता है 4, और हॉरिजॉन्टल चेंज भी पता है 50। अब आप ये वैल्यू इसको पुट कर दें, तो यहाँ पे लिखूंगा वर्टिकल चेंज कितना था मेरे पास, यहाँ पे लिखा हुआ 4 यूनिट्स, तो आप यहाँ पे लिख दें 4। हॉरिजॉन्टल चेंज कितना था? वो था आपके पास यहाँ पे ऊपर मेंशन्ड है 50, तो आप लिख देंगे 50। और जो लाइंस लेफ्ट टू राइट अपर डायरेक्शन में होती है उनकी ग्रेडियंट पॉजिटिव होती है, इसलिए यहाँ पे कोई साइन नहीं, यानी ये पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव होती तो यहाँ पे हम नेगेटिव यूज करते हैं। तो अब आप इसको सॉल्व कर लें, ये 2 2 टाइम्स 4 होता है,
225 टाइम्स 50 होता है, तो ये आ गया 2/25। इस वैल्यू को आप डेसिमल्स में भी लिख सकते हैं। अगर मैं डेसिमल्स में यहाँ पे लिख के दिखाऊं तो 2/25 कितना बनता है, वो बनता है 0.08, ऑलमोस्ट 0.08 आपके पास ग्रेडियंट आ रही है। ओके, अब इसी प्रोसीजर को यूज करके हम बी वाली कंपनी की भी लाइन की ग्रेडियंट निकालेंगे, उसको एम बी से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर्मूला तो आपको पता ही है, सेम ही रहेगा, वो है वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। अब ये भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं और हमें बड़ी आसानी से पता चल जाएगा। ओके, तो अब मैं ऊपर वाली जो वर्किंग है इसको डिलीट कर देता हूं, क्योंकि अब हमने कंपनी बी के लिए करनी है, ये ना हो कि आप इसमें से थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, तो ये मैं एक्स्ट्रा चीजें यहां पर जो मैंने अभी भी ड्रॉ की थी, ये सारी की सारी वर्किंग डिलीट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये सारी वर्किंग मैंने डिलीट करनी है। ओके, हो गया। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कंपनी बी की। तो कंपनी बी की जो लाइन है उस पर हमने दो पॉइंट्स चूज करने हैं। तो देखिए, कंपनी बी की लाइन यहां से इस तरह आई और नीचे 20 पे टच कर रही है, तो एक पॉइंट तो आप यहीं पे ले लें और इसका नाम रख दें सी। और इसके एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गए, तो यहाँ पे आप देखें एक्स एक्सिस पे 20 पे टच किया, तो ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, और जो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर उसका वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो होता है, तो वो आपको उससे जीरो लिख दें। एक पॉइंट आप यहां पर ले लें, ये वाला, क्योंकि आप इसके कोऑर्डिनेट बड़े आसानी से बता सकते हैं। इससे आप एक डॉटेड लाइन नीचे की तरफ बनाएं, तो आप देखिए आप टच करते हैं किस पे, 60 पर। इस पॉइंट का नाम रख दें डी, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया 60। वाई कोऑर्डिनेट के लिए आप यहां से एक डॉट लाइन बनाएं और देखें आप वाई एक्सिस पे कहां पे टच करते हैं, तो आप वाई एक्सिस पे टच करते हैं 5 पर, तो आपका वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया 5। तो अब आपने ये लाइंस रूलर से बनानी है। मेरे पास यहां पे रूलर नहीं है, मैं आपको अपने अंदाजे से चीजें बता रहा हूं, तो हो सकता है आपको थोड़ी सी लगे कि लाइन इतनी स्ट्रेट ना है, आपके पास रूलर होगा, आप रूलर से इसको आसानी से जज कर सकते हैं। तो दो पॉइंट्स आपको पता चल गए। अच्छा जी, अब हमने एक पॉइंट से स्टार्ट होना है और दूसरे पॉइंट तक पहुंचना है, तो हम सी पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं। तो अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि सी पॉइंट से कितने यूनिट हमें अपवर्ड जाना पड़े कि हम डी तक पहुंच पाएंगे। तो आप सी से एक डॉटेड लाइन इस तरह बनाना शुरू करेंगे कि आप ऊपर तक जाते जाएं और बिल्कुल डी के सामने पहुंच जाएं। तो देखें, ये मेरे पास जो है सी पॉइंट है, तो मैं सी पॉइंट जो है यहां से इस तरीके से आप देखें डॉट लाइन बनाना शुरू करता हूं, क्योंकि डी पॉइंट ऊपर है तो मुझे वर्टिकली अपवर्ड मूव करना है। तो मैं वर्टिकली अपवर्ड मूव करता जाऊंगा तो यहां पे देखें पहुंच जाऊंगा यहां पर, जहां मैंने क्रॉस लगाया। तो अब नीचे से ऊपर तक जितने यूनिट्स आपने कवर किए, ये आपका क्या है, ये आपका कहलाएगा वर्टिकल चेंज। तो आप देखिए, आपने किस पॉइंट से स्टार्ट किया था, सी वाले पॉइंट से। इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना था, जीरो, यानी आपने जीरो से स्टार्ट किया। तो जीरो से लेके कहां तक पहुंचे, यहां तक। तो इसके पैरेलल कितना लिखा हुआ है, 5। तो बेसिकली आपने 5 यूनिट्स कवर किए, यानी वर्टिकल चेंज कितना हो गया, 5 यूनिट्स का। ओके, अब हॉरिजॉन्टल चेंज भी देखना है, तो मैंने डी तक पहुंचना है, तो मुझे यहां से राइट साइड पे जाना पड़ेगा इतने यूनिट्स, तब मैं जाके डी पे पहुंचूंगा। तो इस पॉइंट से मैं स्टार्ट करूंगा और डी तक जाऊंगा, तो इस पॉइंट पे आपका एक्स कोऑर्डिनेट कितना बनता है। अगर आप इसको बिल्कुल नीचे देखें, तो हमने स्टार्ट कहां से किया हुआ, 20 से। तो यानी 20 से आपने स्टार्ट किया, कहां तक गए, डी पॉइंट तक आप जाएंगे। इस तरह चलते चलते डी पॉइंट तक जाएंगे, तो डी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 60। आप देखें इसके बिल्कुल नीचे देखें, 60 लिखा हुआ है, यानी 20 से लेकर 60 यूनिट्स तक आप गए। तो कितना चेंज आया, आप 60-20 कर लें तो भी आपको पता चल जाएगा कि 40 बनता है। और आप वैसे भी काउंट करना चाहे वो भी काउंट कर सकते हैं। 20 और 30 में 10 का गैप है, यानी 10, फिर 10 का गैप 20, फिर 10 का गैप 30, और फिर 10 का गैप 40, तो तब भी देखें 40 यूनिट्स है। तो हॉरिजॉन्टल चेंज एक्स एक्सिस से पता चलता है, वर्टिकल चेंज वाई एक्सिस से पता चलता है, तो आपको पता चल गया। और यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल भी बन गया, और ये भी लाइन लेफ्ट टू राइट अपर डायरेक्शन में है, तो ग्रेडियंट पॉजिटिव ही होगी। अब वर्टिकल चेंज 5 है, हॉरिजॉन्टल चेंज 40 है, इसकी वैल्यू पुट कर दें, तो वर्टिकल चेंज 5, हॉरिजॉन्टल चेंज नीचे 40, ये हो गया। तो 5 8 times 40 होता है, 5 1 times 5 5 8 times, तो ये हो गया 1/8। और इसको भी आप डेसिमल में कर लें तो आपको एक बेटर वैल्यू पता चल जाएगी, 1/8, तो आपके पास क्या आता है, एसडी वाला बटन दबाए, 0.125। तो आप देखिए किसकी ग्रेडियंट ज्यादा है, तो साफ पता चल रहा है बी वाली लाइन की ग्रेडियंट ज्यादा है, कंपनी बी की जो है ग्रेडियंट ज्यादा है। तो आप यहां पे लिखेंगे कि कंपनी बी की जो ग्रेडियंट है वो ग्रेटर देन है, इसको पढ़ेंगे ग्रेटर देन है, किससे, कंपनी ए की ग्रेडियंट से, कंपनी ए की ग्रेडियंट से। इस इनइक्वालिटी की लेग्स जिस तरफ होती हैं वो चीज बड़ी होती है, तो देखें लेग्स बी वाली ग्रेडियंट की तरफ है, तो कंपनी बी की ग्रेडियंट क्या है, वो ज्यादा है। तो अब आप यहां पे लिख सकते हैं कि इसका मतलब किसकी प्राइसेस तेजी से बढ़ी है, कंपनी बी की। तो आप यहां पे लिखेंगे कि कंपनी बी आगे आप यहां से भी फॉलो कर सकते हैं, यहां से हैज अ ग्रेटर रेट ऑफ इंक्रीज इन चार्जेस, हैज अ ग्रेटर रेट ऑफ इंक्रीज इन चार्जेस। तो ये हमने आंसर निकाल लिया, इंक्रीज इन चार्जेस।
तो जिसकी ग्रेडियंट ज्यादा होगी उसके ही चार्जेस तेजी से बढ़े होंगे, तो कंपनी बी की ग्रेडियंट ज्यादा थी तो उसी के चार्जेस तेजी से बढ़े हैं। तो आगे आप इन फ्रैक्शंस को डिनोमिनेटर सेम बनाकर भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सी ग्रेडियंट की वैल्यू ज्यादा है या कम बन रही है, और डेसिमल में निकाल के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारा ये पार्ट नंबर 4 भी फिनिश हो गया। अब करते हैं हम इसका लास्ट पार्ट, यानी पार्ट नंबर 5। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर 5 को। तो पार्ट नंबर 5 में मेंशन है, इफ एल्बर्ट वांट्स टू पे ओनली $4 पर मंथ फॉर अ टॉक टाइम प्लान, विच कंपनी शुड ही चूज, एक्सप्लेन योर आंसर। तो एक पर्सन है जिनका नाम एल्बर्ट है और वो चाहते हैं कि अगर वो सिर्फ $4 दें पर मंथ हर एक महीने में, तो कौन सा टॉक टाइम प्लान उनको यूज करना चाहिए, कंपनी ए जो प्रोवाइड कर रही है वो वाला, या कंपनी बी जो प्रोवाइड कर रही है वो वाला। तो एल्बर्ट के लिए कौन सा टॉक टाइम प्लान बेहतर रहेगा अगर वो सिर्फ $4 पर मंथ देना चाहते हैं, और कौन सी कंपनी उनके लिए बेहतर रहेगी, आप ये भी आप कह सकते हैं, क्योंकि ये जो टॉक टाइम्स हैं ये ए और बी कंपनीज ही प्रोवाइड कर रही हैं। तो आपने इसी आंसर को एक्सप्लेन करना है। तो जाहिर बात है ए और बी कंपनी में से वो वाली कंपनी बेहतर रहेगी एल्बर्ट के लिए जो कि $4 पर मंथ पे ज्यादा से ज्यादा टॉक टाइम प्रोवाइड कर रही हो। जो कंपनी एल्बर्ट को $4 पर मंथ पे ज्यादा से ज्यादा टॉक टाइम प्रोवाइड करेगी इन मिनट्स, वही कंपनी एल्बर्ट के लिए बेहतर है, वही कंपनी एल्बर्ट को चूज करनी चाहिए। तो अब हम ये कैसे पता लगाएंगे, ग्राफ से पता लगाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पर आपको $4 यहाँ पे एज अ वैल्यू बताई गई है, और आप जानते हैं जो डॉलर से रिलेटेड वैल्यूज थी वो आपके वर्टिकल एक्सिस पे मेंशन थी चार्जेस के तौर पर। तो आप एग्जैक्टली देखें तो यहाँ पर $4 लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, आप $4 के कॉरस्पॉन्डिंग देखेंगे कि कंपनी बी और कंपनी ए कितने मिनट्स प्रोवाइड कर रही है। जो कंपनी $4 के कॉरस्पॉन्डिंग ज्यादा मिनट्स प्रोवाइड कर रही होगी वही एल्बर्ट को चूज करनी चाहिए, वही एल्बर्ट के लिए सबसे बेहतर होगी। तो हम क्या करेंगे, हम $4 से जहां पे 4 लिखा हुआ है एग्जैक्टली एक डॉटेड लाइन बनाना शुरू करेंगे, और इस डॉटेड लाइन को हम बनाते चले जाएंगे जब तक कि हम पहले कंपनी बी की जो लाइन है जो उसका ग्राफ दिया हुआ है इस तक नहीं पहुंच जाते। तो आप कंपनी ए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यह आप पे डिपेंड करता है। तो देखिए मैंने 4 से एक डॉट लाइन बनाना शुरू करी, मैं बनाता चला गया और यहाँ पर आके आप कह लें अप्रॉक्सीमेटली मैंने कंपनी बी का जो ग्राफ है, जो ये एक लाइन है जो कि यहाँ पर 20 को जाके टच कर रही है, इस पे जाके मैंने टच कर लिया। अब मैंने क्योंकि टाइम देखना है कि $4 के कॉरस्पॉन्डिंग कंपनी बी जो है कितना टॉक टाइम जो है प्रोवाइड कर रही है, तो मुझे अब नीचे आना पड़ेगा एक्स एक्सिस की तरफ। तो जहां पर आके मैं रुका था, जहां पर मैंने आप कह लें ग्राफ जो है बी वाली कंपनी का जिसको मैंने आके टच किया था, मैं बिल्कुल उधर ही उसी पॉइंट से एक एग्जैक्टली डॉट लाइन बिल्कुल स्ट्रेट रूलर की मदद से बनाना शुरू करूंगा, और बनाता चला जाऊंगा, उसको एक्सटेंड करता जाऊंगा। तो देखिए मैं बिल्कुल 50 के आगे आके यहाँ पर स्टॉप हुआ। तो ये जो मैं जहां पे आके रुका हूँ ये बिल्कुल 50 से जो आगे एक स्मॉल बॉक्स है जो खत्म हो रहा है, बिल्कुल वहां पे आके रुका हूँ। और आप जानते हैं एक स्मॉल बॉक्स एक्स एक्सिस के ऊपर 2 यूनिट्स को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये 50 के बाद पहला स्मॉल बॉक्स है जहां जो वहां पे ये खत्म हो रहा है मेरा ये पॉइंट जहां पे मैं आके रुका हूं। तो एक स्मॉल बॉक्स अगर 2 यूनिट्स को रिप्रेजेंट करता है, इसके पीछे 50 है, तो 50 प्लस 2 कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 52। इसका मतलब ये हुआ कि जो कंपनी बी है ना वो $4 पर मंथ के लिहाज से 52 मिनट्स का टॉक टाइम प्रोवाइड कर रही है, ये मैंने पता लगा लिया। अब मैं सेम प्रोसीजर फॉलो करूंगा ए वाली कंपनी के भी लिए टॉक टाइम फाइंड आउट करने के लिए। तो देखिए मैंने यही डॉट लाइन दोबारा बनानी है, मैं क्योंकि पहले से डॉट लाइन ए जो पहले से डॉट लाइन है बी तक तो बना चुका हूं ना, तो मुझे ए तक भी बनानी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां तक बी तक तो बना चुका हूं, इसी से आगे रूलर की मदद से इसको एक्सटेंड करूंगा कि ये मेरे ए वाली कंपनी का जो ग्राफ बना हुआ है, ए वाली कंपनी की जो लाइन बनी हुई है उस पर आके कहीं ना कहीं टच कर जाए। तो देखिए मैंने डॉट लाइन को एक्सटेंड किया, तो मैं यहां पर आके ए कंपनी का जो ग्राफ था उसकी जो स्ट्रेट लाइन आपको एक दी गई है इस पे मैं आके यहाँ पे आके टच कर लिया। अब मैं देखना चाहता हूं कि भी ए कंपनी कितना टॉक टाइम प्रोवाइड कर रही है, तो मुझे इसी क्रॉस से एक डॉट लाइन बनानी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि टाइम नीचे एक्स एक्सिस पे मेंशन है। तो मैं इस तरह बनाता जाऊंगा, तो मैं कहां पे आके टच किया, मैंने 60 मिनट्स पे टच किया। इसका मतलब कंपनी ए $4 पर मंथ के रेट के ऊपर 60 मिनट्स का टॉक टाइम प्रोवाइड कर रही है। तो कौन सी कंपनी बेहतर हुई एल्बर्ट के लिए, एल्बर्ट के लिए कंपनी ए बेहतर हुई, क्योंकि कंपनी ए $4 पर मंथ में 60 मिनट्स प्रोवाइड करती है टॉक टाइम के तौर पे, जबकि कंपनी बी $4 पर मंथ पर आप कह रहे हैं सिर्फ 52 मिनट्स का टॉक टाइम प्रोवाइड करती है। तो एल्बर्ट के लिए सबसे बेहतर कंपनी कौन सी हुई, कंपनी ए, क्योंकि वो $4 पर ज्यादा टॉक टाइम प्रोवाइड कर रही है। तो आपने इसी चीज को एक्सप्लेनेशन में इस तरह लिख देना जो मैं पहले लिख चुका हूं कि एट $4 अ मंथ
ड्यूरेशन ऑफ टॉक टाइम ऑफर्ड बाय कंपनी ए इज 60 मिनट्स, जिस तरह पर समझा दिया कि कंपनी ए $4 पर मंथ पर 60 मिनट्स का टॉक टाइम दे रही है, जबकि ड्यूरेशन ऑफ टॉक टाइम ऑफर्ड बाय कंपनी बी इज 52 मिनट्स, जबकि कंपनी बी $4 अ मंथ पर सिर्फ 52 मिनट्स का टॉक टाइम दे रही है। तो जाहिर बात है कौन सी कंपनी बेहतर हुई, कंपनी ए। तो आप यहाँ पे लिख देंगे सिंस कंपनी ए ऑफर्स मोर टॉक टाइम $4 पर मंथ, क्योंकि कंपनी ए $4 पर मंथ पे ज्यादा टॉक टाइम प्रोवाइड कर रही है, सो एल्बर्ट शुड चूज कंपनी ए, तो एल्बर्ट को कंपनी ए चूज करनी चाहिए। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।